नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाज विज्ञान की पाठ्य योजना। और पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो क्योंकि वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूं, पूरी वीडियो देखेंगे तभी तक आपको समझ में आएगा और आप खुद से लेसन प्लान फिर बना सकेंगे। और आज की जो वीडियो है हमारी, वो कक्षा यहाँ पर आप इसको 6 से लेकर 8 तक के लिए बना सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 8 तक आप ये लेसन प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। यहाँ पे देखिए, आपको पता है जब पाठ्य योजना बनाएंगे आप, तो जिस पेज से स्टार्ट करेंगे बनाना, उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। अगर आपके कॉलेज में दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए बोले तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा, या सिर्फ पाठ्य योजना लिखने के लिए बोले तो पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। उसके बाद डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। क्लास में आपको पहले बता चुका हूँ, क्लास 8th, 7th या फिर 6th के लिए आप बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। विषय देखिए, यहाँ पे लिखा गया सामाजिक विज्ञान, लिख लीजिएगा सामाजिक विज्ञान है ये। नेक्स्ट कालांश है, कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। समय अवधि है 30 मिनट का और प्रकरण है हमारा आज का भारतीय समाज। तो ये हो गया आपका जो आपको स्टार्टिंग में सभी लेसन प्लान में करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य किसी किसी कॉलेज में कहते हैं इसको, किसी किसी में शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। और काफ़ी कॉलेजेस में इसके पहले विशिष्ट उद्देश्य के पहले सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे नहीं लिखा गया क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में नहीं लिखने के लिए बोलते हैं, तो जिन्होंने ये पीडीएफ भेजी थी वहाँ पे वो नहीं लिखने के लिए बोला गया होगा, इसलिए सामान्य उद्देश्य नहीं लिखे हैं। लेकिन ज़्यादातर कॉलेजेस में सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, तो सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालिएगा, उसमें आप कम से कम 4 से 5 पॉइंट सामान्य उद्देश्य लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता कि सामान्य उद्देश्य होता क्या है तो मैं बता दूँ, सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट है समाज विज्ञान, तो इसके इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, आपके द्वारा पढ़ाने के बाद वो क्या क्या उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। और विशिष्ट उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है भारतीय समाज, तो इसको पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, बस इतना अंतर होता है। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य भी लिखा गया है और यहाँ पे एक साइड लिखा गया अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आप टीचर हैं तो आपका उद्देश्य क्या है ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर पढ़ाने का, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या चाहते हैं कि बच्चों में क्या क्या परिवर्तन हो, क्या क्या अपेक्षा है आपकी कि बच्चों में व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हो। तो यहाँ पे देखिए, पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया, पहला विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यहाँ पे ये भारतीय लिखा गया, इसको कट कर दीजिएगा जो ये लिखा गया। दूसरा पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी भारतीय समाज की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय समाज की विभिन्न इकाइयों के उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरी हेडिंग है यहाँ पर ज्ञानात्मक या फिर ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया यहाँ पर, विद्यार्थी भारतीय समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कर उनका उसका नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। ये हो गया आपका ज्ञानोपयोग। उसके बाद चौथा हेडिंग है कौशल, इसी को कौशलात्मक भी कहते हैं काफ़ी कॉलेजेस में। तो पहला इसमें पॉइंट है, विद्यार्थी भारतीय समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करके इस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करने की कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और इसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, समाज में अपना महत्व स्थापित करने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे एक साइड आपको कटा हुआ दिखेगा, तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं एक एक चीज़ पढ़ रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली हेडिंग है यहाँ पे देखिए, अभिरुचि। अभिरुचि में देखिए मतलब है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों में किन किन रुचियों का विकास होगा। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थी समाज में अपनी भूमिका निभाने में रुचि ले सकेंगे। और छठवीं हेडिंग है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी भारतीय समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, समाज में अपने दायित्व की भावना का निर्वाह कर सकेंगे। ये हो गया आपका शिक्षण उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य जिसको कहते हैं। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि या फिर यहाँ पर प्रविधि। तो यहाँ पर व्याख्या विधि है और प्रश्नोत्तर विधि, इस तरीके से लिख दीजिएगा। सहायक सामग्री अगली हेडिंग है। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया, एक अच्छा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान है अगली हेडिंग। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है, विद्यार्थी भारतीय समाज से संबंधित विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उनको आपको ये पता चल गया कि उनको क्या अभी तक नॉलेज है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, या फिर लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा,
लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया, और लास्ट में तीसरा कॉलम विद्यार्थी क्रिया। इसमें कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 या फिर 6, मैक्सिमम 6 प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, इसका मतलब है कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, मनुष्य को आप किन किन नामों से जानते हैं, तो बच्चे बोलेंगे व्यक्ति के नाम से या फिर इंसान के नाम से। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का को क्या कहते हैं, यहाँ पे को कर लीजिएगा, को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे समूह। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा, जब बहुत से व्यक्ति एक जगह रहते हैं तो उस समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे समाज। और चौथा प्रश्न फिर आ जाता है, भारतीय समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे सही से, उत्तर देने का प्रयास करेंगे लेकिन अच्छे से नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन लिखा गया है, विद्यार्थियों आज हम भारतीय समाज के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप अपना अगला हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण, यानी उस चैप्टर को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, कॉलम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, और श्याम प्रसार। इसमें देखिए पहला शिक्षण बिंदु में थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है भारतीय समाज, विकासात्मक प्रश्न है। पहला, हम कौन से राज्य में रहते हैं, तो आप जिस राज्य में रहते होंगे वहाँ का नाम लिख दीजिएगा। दूसरा है यहाँ पे राजस्थान है, तो फिर दूसरा प्रश्न है यहाँ पे राजस्थान में कौन कौन से देश का राज, यहाँ पे राजस्थान कौन से देश का राज्य है, तो बच्चे बोलेंगे भारत का। फिर तीसरा है भारतीय समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाए थे तो नहीं बता पाएंगे, आप उसका आप स्पष्टीकरण दीजिए छात्राध्यापक कथन में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर जीवन यापन करता है, कई अलग अलग समुदायों को मिलाने से समाज का निर्माण होता है। समाज में परिवार पड़ोस के अलावा समाज के अन्य सदस्य व संख्या संस्थान होती है। समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, वह परस्पर सहयोग करके जीवन का यापन करते हैं, जीवन यापन करते हैं। और यहाँ पर छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और थोड़ा सा शोर हो गया सॉरी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप श्याम प्रसार में देखिए लिखा गया है, ब्लैक पेपर खरीद लीजिएगा और वाइट स्पार्कल पेन खरीद लीजिएगा, उसमें इस तरीके से लिख दीजिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कई समुदायों को मिलाने से समाज का निर्माण होता है। आप श्याम प्रकार पे वही चीज़ लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, सारी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है समाज का निर्माण, फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, एक ही वर्ग के लोगों को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे समुदाय। दूसरा प्रश्न है, दो या दो से अधिक समुदायों को मिलाकर क्या बनता है, क्या निर्माण होता है, तो बच्चे बोलेंगे समाज का। फिर तीसरा प्रश्न, समाज का निर्माण कैसे होता है, विद्यार्थी नहीं बता पाएंगे, छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर से आप स्पष्टीकरण देंगे यहाँ पे आप छात्राध्यापक कथन में, समाज में अनेक वर्गों के समुदाय रहते हैं, सभी वर्गों के लोग अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। किसान खेती करता है, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुम्हार लोहार सुनार सभी अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक, विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पे तीसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट है भारतीय समाज की विशेषताएँ, फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप। पहला प्रश्न है, परिवार में रहने वाले को क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे सदस्य। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, परिवार के सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे विशेषता। तीसरा प्रश्न है, भारतीय समाज की विशेषता के बारे में आप बताइए, तो नहीं बता पाएंगे, प्रयास करेंगे नहीं बता पाएंगे, फिर से आप स्पष्टीकरण देंगे छात्राध्यापक कथन में। भारतीय समाज हमारे शरीर की तरह है, जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी लोगों के सहयोग से समाज के में पूर्णता आती है। लोग सुख शांति से रहकर प्रगति करते हैं और हम सब एक दूसरे से महत्वपूर्ण हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए विशेषता लिखा गया है, विद्यार्थी उसका यहाँ पे लिखा गया है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करने का प्रयास करेंगे। और श्याम प्रकार पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऊपर वाले में पॉइंट में, समाज में अनेक वर्गों का समूह रहता है, सभी रुचि योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। और नीचे वाले में पॉइंट में लिखा गया है, समाज में सभी लोग सहयोग से कार्य करते हैं, समाज हमारे शरीर की तरह होता है। तो ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण। और आगे देखने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अब आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको आगे की चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगा।
पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए लिखा गया प्रश्न पूछेंगे, पहला प्रश्न है मनुष्य कैसा प्राणी है, दूसरा प्रश्न समाज के लोग कैसे जीवित जीवन बिताते हैं, तीसरा पॉइंट है समाज में कौन कौन से वर्गों के लोग रहते हैं, चौथा पॉइंट है यहाँ पे समाज के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं, और पांचवा प्रश्न है समाज में पूर्णता कैसे आती है। इसके बाद यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है समाज कैसे प्रगति करता है। अब आता है अगला हेडिंग यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य कैसा कहाँ रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है समाज, व्यक्ति, आकाश, प्रगति, तो आपको पता है समाज होगा। सत्य असत्य अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सत्य है कि असत्य, तो आपको पता है सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अगला प्रश्न, भारतीय समाज हमारे ... की तरह है, शरीर की तरह है, आपको पता है। अब अगला अति लघु उत्तरी प्रश्न है किसान का क्या कार्य करता है, इसको लिख के ले आना बच्चों को। लघुत्तम प्रश्न यह है, लघुत्तम उत्तरी प्रश्न है जिसमें आपको मिडिल ज़्यादा ना तो बड़ा लिखना है ना तो छोटा। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है मनुष्य एवं सामाजिक प्राणी कैसे है बताइए, और लास्ट में आता है हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य में आपको बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य देना होता है जिससे बच्चे घर पर जाएंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों को करेंगे तो वो आपके द्वारा पढ़ाए गई चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो गृह कार्य में देखिए लिखा गया समाज में कौन कौन से वर्गों के लोग रहते हैं समझाइए। यहाँ पे संदर्भ पुस्तिका यहाँ पे देखिए लिखा गया समाज विज्ञान की कक्षा 6 की है, लेखक जो भी है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा चैप्टर क्या और पृष्ठ संख्या क्या है ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा लिखा हुआ छोटा छोटा है क्योंकि किसी दूसरे ने मुझे ये पीडीएफ भेजा, आपको पता है कि मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लोग मुझे मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू लेसन प्लान या फिर सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना भेजते हैं, बिल्कुल दूसरों की हेल्प करने के लिए अच्छी, उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसा भी हो आप लोगों को मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताता हूँ, तो थोड़ा सा बस ध्यान से सुना करिए, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे देख के पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको वो चीज़ बोल दूँगा, आप सुन लीजिएगा। और कोशिश करिएगा कि ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको दिखा दी जा रही है, बस आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। क्योंकि जब मैं लेसन प्लान बनाता था तो मुझे दिक्कत होती थी, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत लेसन प्लान बनाने में ना हो, इसलिए मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों तक डेली बेसिस पे नए लेसन प्लान पहुँचाता रहूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, डेली बेसिस पे ऐसे ही लेसन प्लान की वीडियोज़ देखने के लिए नए नए विषय की, किसी भी विषय की और किसी भी क्लास की, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।